आर्मी के हूँ मैं ये बेटा हो, इनके बना दीना नेता हो। आर्मी के हूँ मैं ये बेटा हो, इनके बना दीना नेता हो। माई सपना साकार सब कर दी हो। अगर मनीष भैया को यहाँ का सीएम बनाया जाए बिहार का, तो कैसा रहेगा? बिहार का मुख्यमंत्री बनाना सही है या गलत? सही है। क्यों सही है? वो बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मानते हैं वो कोई नेता का घुसखोरी का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हम तक न्यूज में। मैं अभी मौजूद हूँ चनपटिया ब्लॉक के चनपटिया में, और यही है चनपटिया के जो चनपटिया चौक है, और हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रीतम प्यारे जी हैं जो मनीष कश्यप पे गाना गाए हैं कि हमको सीएम बनना। मतलब कौन सा गाना पे? सीएम बना दी मैया मनीष कश्यप के। सीएम बना दी मैया मनीष कश्यप भैया को, तो मनीष कश्यप भैया को हम लोग सीएम बनाने के पर एक गाना गाए हैं, और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्यों गाना गाया, क्या मकसद है इनका गाने का, तो इनसे जानने के प्रयास करेंगे। सबसे प्रीतम जी, तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हम तक न्यूज में। देखिए, हम तक न्यूज को जितने भी मेरे श्रोता देखने वाले हैं उनका भी दिल से प्रणाम है, और सच तक 24 को जितने भी मेरे दर्शक देखने वाले हैं उनको दिल से प्रणाम है, और आपका भी स्वागत है सर। तो प्रीतम जी, आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप मनीष भैया पर गाना गाए हैं सीएम बना दे तू मैया हो, तो मतलब क्या आपका मकसद है इस पर? देखिए, मेरा विचार है, मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा, और दूसरा सॉन्ग मेरा आया था मनीष कश्यप वर्ल्ड ही ले ले हो, और ये मेरा तीसरा सॉन्ग है सीएम बना दो मनीष मैया मनीष कश्यप को। तो देखिए, पूरे जनता का सपोर्ट है कि अगर मनीष कश्यप बिहार के सीएम बन जा रहे हैं तो शायद हमारे यहाँ से जो भी चोर घुसखोरी है, जो भी भ्रष्टाचार है, ये मुक्त होगा। इसी माध्यम से हम इस गाने को पब्लिक के बीच में शेयर किए हैं और गाएँ। देखिए, जो मनीष भैया हैं वो सभी के दिल में छा गए हैं। जितने भी भ्रष्टाचार होता है इस देश में उसको बढ़िया से रलाई करते हैं, इसलिए सभी के दिल में छा गए। आप किसी भी बच्चे से पूछिए मनीष भैया हैं। जानते हैं। कौन है वो? मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले। आप मनीष भैया को जानते हैं? जी जानते हैं। तो कौन है? मीडिया वाले पते। मनीष भैया को जानता है, और मनीष भैया से सभी कोई प्रेम करता है, और उन पे तरह तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, तरह तरह से गाना गाया जा रहा है। और प्रीतम जी से कुछ हम बातें और जानेंगे। प्रीतम जी, पहले वो गाना को सुनाइए जिसने आप गाए हैं उस गाना को। देखिए, मेरा मैया सीएम बना दी मनीष कश्यप को जो मेरा गाना है उसके भी आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, जिसका बोल है आर्मी के हूँ मैं ये बेटा हो, इनके बना दीना नेता हो। आर्मी के हूँ मैं ये बेटा हो, इनके बना दीना नेता हो। माई सपना साकार सब कर दी हो। तो लड़की का बोले अरे कृपा बना दो इन पे देवी मैया हो, सीएम बन जासु मनीष कश्यप भैया हो। अरे कृपा बना दो इन पे देवी मैया हो, सीएम बन जासु मनीष कश्यप भैया हो। इस गाने का भी आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, और दूसरा जो मेरा फर्स्ट गाना है जो सुपर डुपर हिट हुआ है मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा, उस सॉन्ग का बोल है हमरा चाही ना फिल्मी स्टार जैसा, हमरा चाही ना फिल्मी स्टार जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा। और मेरा तीसरा सॉन्ग जो था मनीष कश्यप वर्ल्ड ही ले ले हो, तो उनका घर यही है और उनका क्षेत्र चनपटिया पड़ता है, जिला बेतिया पड़ता है, इसी के माध्यम से बनाए थे। अरे बेतिया जिला अपन घर बतैले हो, अब बेतिया जिला अपन घर बतैले हो। तो मनीष कश्यप नाम है भाई घुसखोरी भगैले हो, तो मनीष कश्यप नाम है भाई पूरा वर्ल्ड हिलैले हो। तो आज मनीष कश्यप जी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ के चोर घुसखोरों को भगाने का काम कर रहे हैं। उनके मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए सब कार्य हमने किया है, और उनके लिए छोटा सा गीत गाए हैं, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, आप भी बताइए मनीष भैया को क्या चाहते हैं यहाँ पे करने के लिए? देखिए, मनीष भैया आपसे बोलबे किए हैं कि मनीष कश्यप एक ऐसा पूरे वर्ल्ड का रियल हीरो हैं जो सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, और सच्चाई के पक्ष में हर जगह लड़ाई करते हैं, हर जगह खड़ा होते हैं, और वो अपने सच तक न्यूज के माध्यम से जो भी है सच्चा चीज़ दिखाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि भैया जो गाना गाए हैं मनीष कश्यप को सीएम बनाइए मैया, उस हम यही चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी जिस दिन सीएम बन गए तो मेरे बिहार का पूरे
बिहार में जहाँ जहाँ घुसखोरों का अड्डा बना हुआ है सब खत्म हो जाएगा। देखिए पब्लिक के डिमांड है कि बिहार में जो घुसखोरी हो रहा है, मनीष भैया अच्छी तरह से रिलाई करते हैं, पब्लिक की यह भी डिमांड है कि मनीष भैया को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी उनका क्षेत्र चनपटिया है, यहाँ से लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या मनीष भैया यहाँ के अगर CM बनते हैं बिहार का तो क्या सही रहेगा कि गलत रहेगा। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुमार। अगर मनीष भैया को यहाँ का CM बनाया जाए बिहार का तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। और कैसे मतलब वो सब मतलब अच्छे से करेंगे कि नहीं? दिल से जानते हैं उनको और प्यार देते हैं और बहुत सुंदर भी रहेंगे। तो आइए और यहाँ पे भी युवा है, युवा के जो पढ़ाई करते हैं उसको तो अच्छी तरह से पता होगा वो कैसे करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मिथिलेश। मनीष भैया का आप पहले जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। क्या है वो? पत्रकार हैं। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं छोटा छोटा बच्चा भी जान रहा है। ये बताइए मनीष भैया को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना सही है या गलत? सही है। क्यों सही है? वो बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मानते हैं वो कोई नेता का घुसखोरी का काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से रेलते हैं, चाहे कोई भी काम हो अच्छे से बताते हैं, चाहे नाला वाला को बहुत बढ़िया बात बताते हैं खबर पे। देखिए मनीष भैया जो है सभी के दिल में छा गए हैं, तो कोई टैटू बनवा रहा है अपना छाती पे, कोई हाथ पर टैटू बनवा रहा है, कोई दिल गाना गा रहा है, आपको चर्चित। आइए कुछ भैया इधर भी है तो बात करने की कोशिश करेंगे। आइए भैया थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आप मनीष भैया को जानते हैं? बहुत अच्छा से जानते हैं। क्या है वो? पत्रकार है। तो क्या उनको मनीष भैया को बनाना चाहिए कि नहीं मुख्यमंत्री? एकदम बनाना चाहिए। तो आइए कुछ इधर भी लोग हैं, रोड पे है यहाँ पर लोग कोशिश कर देखने के लिए, तो आइए हम जानने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं यहाँ पर, आइए पहले जानने की कोशिश करते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा, इधर आइए। यहाँ पे एक भैया है, लगता है पढ़े लिखे हैं, जब जरूर बताएंगे। क्या नाम है भैया? मोहम्मद मुस्तकी। मनीष भैया का आप जानते हैं? कौन मनीष? मनीष कश्यप। नहीं हम नहीं जानते। जो पत्रकार है? हम नहीं जानते। कहाँ के हैं? यहाँ पे हम यहीं पे हैं, हमको नहीं मालूम। अच्छा, इनको नहीं पता है जरा सी, शायद मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते होंगे इसलिए पता इनको नहीं होगा, जरा सा आप बताएंगे। मनीष भैया को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो कौन है? पत्रकार है। जरा आप गुटका पहले थूकिए तो। आइए जानते हैं यहाँ से चाचा, हमको लगा चाचा बहुत बढ़िया से बताएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? सुनील प्रसाद चौरसिया। अच्छा, आप मनीष कश्यप को जानते हैं? बहुत अच्छे तरह से। क्या जानते हैं उनके बारे में? अच्छा, ईमानदार हैं, पत्रकार हैं, जो भी काम करते हैं बोलते हैं सच बोलते हैं। तो क्या उनको मतलब ये थी बनाना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं? मैंने बनाने के लिए तो इसमें कोई थोड़ी मैंने रुकेगा नहीं, लेकिन अपना जब मैंने जो सीरियली पर चल रहे हैं उनका ईमानदारी से बनाना चाहिए, क्योंकि हमको काफ़ी मतलब रिस्पांस आ रहा है कि 2024 में जो इलेक्शन होगा मनीष भैया को बनाना चाहिए। एकदम बनाना चाहिए। अब जैसे जैसे भी हो, या पार्टी से लड़े या ऐसे ही लड़े। हाँ, किस बेस पर CM बोल रहे हैं? CM किस बेस पर? पार्टी से कौन पार्टी बना कर आएंगे CM लड़ेंगे चुनाव ताकि ऐसा ही? अच्छा पहले एक मिनट जी, किसी भी भेष में आते हैं तो उनको बनाना चाहिए कि नहीं, आप उनके बारे में जानते क्या? ऐसे एक मिनट, आप उनके बारे में जानते हैं? हाँ, पत्रकार थे, चनपटिया विधानसभा से चुनाव भी लड़े हुए हैं। अच्छा अभी, अच्छा पहले लड़े हैं, अभी अभी लड़े, आप उनके बारे में और क्या जानते हैं जरा अभी अभी के तत्काल में? हम तो उनको मतलब मोबाइल पर देखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, बस यही तो हम जानते हैं, बस इतना ही। जरा से इनको बस ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके बारे में इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। आइए कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रीतम जी, इनके मनीष भैया के बारे में आप क्या क्या और जानते हैं, क्या उनके लिए आगे के भविष्य करना चाहते हैं? देखिए उनके लिए जो भी चोर घुसखोरों को रिलाई करते हैं उनके जारी रखें, और हम अपना जो है पब्लिक का मनोरंजन कराने के लिए उनके माध्यम से मेरा गाना आता रहेगा और पब्लिक का मनोरंजन कराते रहेंगे हम। भैया एक सच्चे राह पे चल रहे हैं और सच्चे राह पर चलते रहें, बस यही हम कहेंगे। भैया का काम बहुत अच्छा है और CM तो ज़रूर बनाएंगे उनको। देखिए पब्लिक का डिमांड है कि मनीष भैया को CM बनाए, और क्योंकि वो सच्चाई के राह पर चलते हैं, प्रतीक के राह पर चलते हैं, जो भी यहाँ पे घुसखोरी होती है बढ़िया से रिलाई करते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मनीष भैया का CM बनाना चाहिए कि नहीं 24 में, आप लोग कमेंट करके बनाइएगा। आप सभी के साथ अर्जुन चौरसिया, हम तक न्यूज़ और सच तक 24 न्यूज़ से प्रीतम प्यारे चनपटिया से।